आज 2 जनवरी है और एक बहुत अच्छे वक्त हमने कलकत्ता में बिताया, एक अच्छे वक्त हमने अपने परिवार के साथ बिताया है और बच्चों के साथ और पूरा फैमिली के साथ हमने न्यू ईयर मनाया है पार्क स्ट्रीट में। और अब हम कलकत्ता छोड़ के जा रहे हैं, बेटा को अपने हॉस्टल में छोड़ के हम निकल पड़े हैं अब एक छोटा सा गांव जिसका नाम है बाकुरा। पहले वहाँ पे आपको बता दें, वैसे बाकुरा में वेस्ट बंगाल का एक बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज भी है, बाकुरा संबलपुर मेडिकल कॉलेज, इट्स ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ वेस्ट बंगाल। और अच्छा प्रोमिनेंट विलेज है और एक सिटी टाइप का विलेज है वो। हम अब वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे ससुर जी के ससुराल है, तो वहाँ पहुँच रहे हैं और आज वहीं पे हम रुकेंगे। यहाँ से 4-5 घंटे का रास्ता है, तो थोड़ा सा आपको बाकुरा का भी हम आपको रास्ता दिखाते हुए, फिर हमारा जो रूट रहेगा फिर बाकुरा से 300 किया। तो हम जो रूट अभी ब्रॉड किया है वो है बाकुरा से, हम पहले दिन सिलीगुड़ी उतरेंगे, सिलीगुड़ी से फिर गुवाहाटी और गुवाहाटी से फिर 300 किया। तो ये एक अलग से रूट लेते हुए चलेंगे। आते वक्त तो आपको मैंने जो रूट बताया था वो तो आपका बोगीबिल और ये नहर लगन होते हुए हम लखीमपुर होते हुए बोंगागांव होते हुए आए थे, और ये जो रूट रहेगा ये अब डायरेक्ट गुवाहाटी होते हुए 300 किया। तो एक छोटा सा ग्राउंड जैसा ही हो जाएगा, मोनोटोनस नहीं रहेगा, सिंगल रूट नहीं रहेगा, तो उसी हिसाब से फिर हम आगे बताते जाएंगे। तो फिलहाल तो हम कलकत्ता से निकल पड़े हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक है, इट्स फुल ऑफ ट्रैफिक। तो कलकत्ता शहर आज खुला है, समझ लीजिए न्यू ईयर का जश्न मनाया था, कल भी करीब करीब खाली सा था बट आज जश्न मनाया गया है, आज सभी काम में लग गए हैं, अब जश्न खत्म, अब एवरीवन इज ऑन देयर वर्क। सो कलकत्ता इज एज यूजुअल इट्स पैक्ड, और कलकत्ता ट्रैफिक जाम के लिए जाना जाता है, तो वो हम भी एहसास कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, बाकुड़ा चलेंगे, रास्ता आपको बताते हुए चलेंगे। ये रूट जो है कलकत्ता से आप दुर्गापुर होते हुए हम बाकुड़ा पहुंचेंगे, तो ये हाईवे एक्सप्रेस है जो हमें अभी दुर्गापुर ले जाएगी। तो इस बार जो हमने रूट लिया है कलकत्ता से आसाम पहुंचने का, सिर्फ बीच में एक पैच अलग डाले हैं हमने, वो है बाकुड़ा, क्योंकि कुछ हमारे फैमिली रहते हैं तो मैं चलो उनसे ही मिलके हुए चलते हैं। बाकी आप सीधा भी निकल सकते, लेकिन हमने आपको ये पैच दिखाते हैं कि भाई बाकुड़ा कैसे आप पहुँचेंगे। तो यहाँ से हम बाकुड़ा निकलेंगे और बाकुड़ा से फिर आगे हम सिलीगुड़ी होते हुए गुवाहाटी पहुँचेंगे। तो अभी हम निकल पड़े हैं बाकुड़ा के लिए, चलिए चलते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, तो हमने जैसे आपको बताया था कि हम एक बार बाकुड़ा चले गए थे, तो अब हमने दुर्गापुर होते हुए अब आसाम के लिए रवाना होंगे, हम दुर्गापुर पहुंच गए हैं अभी। और जो कलकत्ता से अगर आपको आसाम आना है तो यही समझना है कि आपको कलकत्ता से पहले दुर्गापुर वाला रास्ता ले लीजिए, फिर दुर्गापुर से आगे अपन निकलते रहेंगे। देखिए वेलकम टू दुर्गापुर ब्रिज आ गया है, ये दुर्गापुर का ब्रिज है, क्या ब्रिज है, दुर्गापुर बैरेज डीबीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं सैटेलाइट। तो ये ब्रिज है और यही दुर्गापुर का बैरेज है, इधर तो गेट है। आप कलकत्ता से दुर्गापुर का रूट लेते हुए आगे निकल जाइएगा। तो हमने कलकत्ता से आपको इसलिए नहीं दिखाया कि हम पहले बाकुड़ा चले गए थे, एक छोटा सा गाँव है हमारे, तो यही रास्ता आगे निकल के हम सिलीगुड़ी तक पहुँचेंगे, बताते जाएंगे कैसे कैसे आप कलकत्ता से आसाम पहुँच सकते हैं। दूसरा रूट से हम भाया गुवाहाटी निकलेंगे, इसमें हम दुर्गापुर पहुंच गए हैं दोस्तों, और ये दुर्गापुर का ब्रिज है आप देख सकते हैं। और कलकत्ता से अगर आपको आना है तो दुर्गापुर होते हुए आप सिलीगुड़ी होते हुए निकलिए। इस बार जो रूट लेंगे हम दुर्गापुर से सिलीगुड़ी होते हुए हम लोग गुवाहाटी होते हुए निकलेंगे, तो मैं पूरा राउंड बता दिया। आते वक्त हमने दूसरा रूट लेते हुए आया, जाते वक्त सफर तो बढ़िया चल रहा है। सुबह का टाइम है, हम बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे बाकुड़ा से, 4 बजे निकल गए थे, अभी दुर्गापुर पहुंचे हैं। आगे आपको बताते जाएंगे कैसे कैसे कौन कौन सा रूट लेना है, क्योंकि ये भी हमारा पहला रूट है। तो दुर्गापुर जो है
वो स्टील प्लांट के लिए फेमस है और यहाँ पे देश का बहुत बड़ा एक स्टील प्लांट है, दुर्गापुर स्टील प्लांट, तो इसीलिए ये शहर काफ़ी नामचीन है, काफ़ी फेमस है। और बाकी शहर भी बहुत बड़ा है। यहाँ से पुरुलिया निकलते हुए हम आगे सिलीगुड़ी तक जाएंगे। सुबह का वक्त है, हम जस्ट थोड़ा सा पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी को रोका है और अब देख रहे हैं कि पीछे सूर्योदय हो रहा है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस लेना है, एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो हमने बांकुड़ा से एक्चुअली सुबह 4 बजे निकला सो दैट वी कैन रीच सिलीगुड़ी, बिकॉज हमारा सिलीगुड़ी पहुँचना टारगेट था। तो हम सिलीगुड़ी पहुँचने के लिए सुबह 4 बजे निकले, सो दैट, वैसे भी गूगल में 13 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा था, तो अभी भी 6-7 बजे दिखा रहा है कि हम पहुँचेंगे। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, आगे उसी हिसाब से हम लोग चलते रहेंगे। बट एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि लॉन्ग ड्राइव करना है, फैमिली के साथ चलना है, ऐसा भी अगर आपको अकेला चल रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको कहीं भी भागना नहीं। आप अपना लाइन पकड़ के चले, आप अपना स्पीड को ले कर चले, तो आप देखेंगे कि आपका जो सफ़र है कभी स्ट्रेनियस नहीं होगा, आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा और आप बढ़िया से आप एक जगह से दूसरी जगह शांति से आराम से, टाइम उतना ही लगना है, कभी आधा घंटा आगे और पीछे इतना ही हो सकता है, लेकिन कभी भी आप ऐसा नहीं होगा कि आप 4-5 घंटा लेट हो गए, आधा 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अगर आप सफ़र को बढ़िया से चलाएंगे, अगर आप अच्छा से चलाएंगे और अगर आप लेन में चलेंगे एक बढ़िया से टाइम लेके, तो आपका जो सफ़र है बहुत अच्छा होता है। तो एक गाँव है जो आपको दिख रहा है, तो देखिए सूर्य उदय है, मज़ा आ रहा है, चलिए चलते रहेंगे, साथ चलते रहेंगे और इस तरह के सफ़र का मज़ा लेते रहेंगे। अभी दोस्तों हम श्रीनिकेतन पहुँचे हैं। श्रीनिकेतन वही जगह है जहाँ रविंद्रनाथ, गुरु ठाकुर रविंद्रनाथ ने कई सारे कविताएँ लिखे थे और हमारे जो नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखे हैं। तो ये वो श्रीनिकेतन एरिया है जहाँ वो बैठ के अपने फिलोसोफी के जो भी रस है सब यहीं पे उढ़ेल दिया था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही कल्चरल सा प्लेस लग रहा है ये पूरा शहर, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है तपोवन, तपोवन जैसा फीलिंग आ रहा है। शांत सा परिवेश है, आप जब इस श्रीनिकेतन में आएंगे तभी आपको एक एहसास भी होगा कि नहीं कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है ये रास्ता, ये सिटी बहुत ही एक सुकून पहुंचाने वाला सिटी है। चारों तरफ घने जंगल, चारों तरफ, तो यहीं पे ऐसे ही कुछ जगह होते हैं जहाँ पे लोग अपने जो मन की बातें हैं या दिल के अंदर छुपे नाराज है वो बयां कर सकते हैं। तो कभी रविंद्रनाथ ठाकुर भी वैसे ही भी सही है, वर्ल्ड के रिनाउंड पॉइंट उन्हें माना जाता है, बांग्लादेश और इंडिया का दोनों का ही, हमारे देश और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान उन्होंने लिखा है। और बहुत ही मनमोहक बहुत दिख रहा है, अच्छा एक सुकून सा एक सिटी है। ये रहा शांति केतन आपके लिए। आगे हम बोलपुर होते हुए निकलेंगे, तो रास्ता याद रखिएगा अपने को, माना घर से शांति निकेतन वाला रूट लेना है और वही लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने को रामपुर हाट जाना है, तो रूट जो अपने को लेना है आगे शांति निकेतन से रामपुर हाट होते हुए आगे निकलना है, तारापीठ भी जाना है। ये जो लैंडमार्क रहेगा आगे वो है तारापीठ, तो ये सब लैंडमार्क्स आप याद रखेंगे, तारापीठ याद रखेंगे तो ये भी फेमस मंदिर है, तो अगर याद नहीं रहता तो तारापीठ मंदिर लिख दीजिएगा, तो वो भी आपको आपके सिलीगुड़ी वाला रास्ता पे लेके जाएगा। और नेशनल हाईवे है, 4 लेन नहीं है, इसलिए एक एवरेज स्पीड पे गाड़ी चलता है यहाँ पे। आगे तारापीठ आएगा, चलते रहते हैं, मिलेंगे आपको तारापीठ पे। बोलो ये
ये है आपका रामपुर हाट बाजार एरिया द सिटी। सुबह सुबह का टाइम है लेकिन बेस्ट सिटी में से है। देख सकते हैं चारों तरफ ऑलरेडी ट्रैफिक चालू है, इससे यही पता चलता है कि ये भी जो एक सिटी है ये कहीं ना कहीं एक व्यस्त सिटी में से है। तो आगे रामपुर हाट से हम तारापीठ होते हुए हम लोग आगे निकलेंगे, तो आगे देखते हैं कैसे क्या रूट आता है, उसी तरह से आपको मैं अपडेट करते हुए चलूँगा। रामपुर हाट से अपने को फिर मालदा लेना है, मालदा से फरक्का लेते हुए आगे निकलना है। तो जो हमने रामपुर हाट से जो रास्ता लिया है वो अभी आगे को मालदा जाकर टच करेगा और मालदा से फिर आगे निकल के हम फरक्का क्रॉस करके फिर आगे सीधा निकलेंगे। तो आगे का तो वैसे भी हमने पहले भी आपको एक बार जब मैं कलकत्ता घुस रहा था तब आपको मैंने मालदा का और फरक्का का बारे में बताया भी था और दिखाया भी था। अब बस ये रूट को हम लोग भी टच करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो करीब करीब कलकत्ता से सिलीगुड़ी का जो रास्ता है वो करीब करीब आपके 12 घंटा 13 घंटा का ड्राइव है। तो उस हिसाब से हम लोग सिलीगुड़ी को ही बेस बनाया है और फिर सिलीगुड़ी आज रुक के फिर कल फिर गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे। तो ये रूट हम उस हिसाब से ले रहे हैं, हम लोग बोंगाईगांव से सिलीगुड़ी होते हुए आए थे, अभी हम लोग यहाँ से सिलीगुड़ी जाएंगे, सिलीगुड़ी से फिर गुवाहाटी घुस जाएंगे, फिर बोंगाईगांव को इस बार हम लोग स्किप करेंगे ताकि दो रास्ता अलग अलग हो जाए। यही हम लोग का एक ये था कि हम लोग जो रास्ता ले वो कम से कम मोनोटोनस ना हो, फिर दो अलग अलग रास्ता लेके हम लोग फिर जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते रहेंगे और बताते जाएंगे कैसे क्या रूट होते हुए हम लोग तिनसुकिया पहुंच सकते हैं। आज हम सिलीगुड़ी से निकले हैं और गुवाहाटी के लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सिलीगुड़ी से जो रास्ता है बहुत ही ख़ास रास्ता है, ये हम कैनल रोड होते हुए निकलेंगे, सेवक रोड कैनल रोड जो है वो वहाँ पर निकलेंगे और सीधा सीधा चल रहे हैं। रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त है, ग्रीनरी फुल ऑफ ग्रीनरी, फॉरेस्ट एरिया है। सिलीगुड़ी से गुवाहाटी की ओर जो जा रहे हैं या हम पूरा पहाड़ी रास्ता से निकले हैं, सो दैट वी कैन व्यू द हिल्स, व्यू भी लगा उठा था पे। तो दोस्तों हमने सिलीगुड़ी से जो रवाना स्टार्ट किया था, हम माल रोड होते हुए फिर अलीपुर द्वार आए और अलीपुर द्वार से फिर हम अब श्रीरामपुर बॉर्डर आ गए हैं। तो ये रूट पकड़ के हम असम एंटर कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा रास्ता है, फिर हम गुवाहाटी घुसेंगे। तो आज तो राइट का स्टे हमारा गुवाहाटी में रहेगा, यहाँ से 238 किलोमीटर दिखा रहा है गुवाहाटी। तो अभी आने वाला है अभी श्रीरामपुर बॉर्डर, ये रहा देख सकते हैं, ये श्रीरामपुर है, देखिए लिखा हुआ है। तो ये श्रीरामपुर बॉर्डर कर दिया है अभी, दिस एरिया इज श्रीरामपुर द बॉर्डर बिटवीन असम एंड बंगाल। तो ये भी एक अच्छा लगता है जब बॉर्डर्स आप देखते हो, इधर एक छलांग दिया तो आपका
आसाम आ गया, एक छलांग दिया तो बंगाल आ गया, तो ये एक मज़ेदार चीज़ है। तो अभी स्टेट हम श्रीरामपुर पहुँच गए। एक होटल है शिव सागर में जिसका नाम है जुल्सकाया, तो उसमें एक प्लेन में रेस्टोरेंट बनने वाला है जो कहीं तो दिल्ली वगैरह से फुल एयर ओरिजिनल जो बोइंग है उसको मंगाया जा रहा है। बीच में आपने खबर भी सुना होगा कि वो कहीं बिहार में फंस गया था, वो अभी हमें रास्ते में दिख रहा है, हमारे सामने दिख रहा है। दोस्तों देख सकते हैं जो मेरे सामने ट्रक है, ये पूरा एक वो लेके जा रहे हैं अपना प्लेन का जो है हिस्सा लेके जा रहे हैं। आगे भी आप देखेंगे ये शिव सागर में एक होटल है, प्लेन में ये बनने वाला है, ये बाईपास में है, ये अपना जो शिव सागर बाईपास में ये होटल है। तो देख सकते हैं पूरा ये जो प्लेन है लेके जाया जा रहा है, हाँ ये स्कैप ट्रेन है। ये आप बीच में न्यूज़ में सुना भी होगा कि बिहार में फंस गया था, यही वो फ्लाइट है जो बिहार में फंस गया था। सामने देखिए ना भाई, बुआई लगता है। तो देख सकते हैं ये प्लेन है, ये स्क्रैप है। तो बोंगाईगांव से हमने जर्नी शुरू किया था कलकत्ता के ओर, तो अभी हम बोंगाईगांव टाउनशिप पहुंच रहे हैं। तो हमने जो रास्ता लिया था आपको बताया था हमने कि बोंगाईगांव से हमने तिनसुकिया से पीछे का रास्ता लेते हुए हम बोंगाईगांव आए थे। अभी हम सीधा गुवाहाटी निकलेंगे थ्रू बोंगाईगांव। तो अभी आगे बोंगाईगांव के आगे जो भी है कैसे आपको वापस तिनसुकिया पहुँचना है थ्रू गुवाहाटी, क्योंकि हम पूरा एक राउंड लेने का कोशिश किया है, तो उसी के हिसाब से हम अभी आगे गुवाहाटी बोंगाईगांव से कैसे गुवाहाटी जाना है वो भी रास्ता आपको दिखाते हुए चलेंगे, फिर गुवाहाटी से कैसे तिनसुकिया पहुंचना है, क्या क्या स्टेशन में रास्ते आएंगे वो भी आपको हम दिखाते हुए चलेंगे। तो ये वही था जो हम बोंगाईगांव आए थे, ये बोंगाईगांव का शहर है, जस्ट हम एंटर कर रहे हैं बोंगाईगांव, इसके बाद आगे हम आपको बताते रहेंगे। तो बोंगाईगांव से आगे तो पूरा हमने आपको रास्ता दिखाया था, और आगे जो है अब हम आपको बोंगाईगांव से आगे का जो रास्ता है वो बता तो चलेंगे, ताकि वो पूरा सर्कल अगर आपको लेना है पीछे से जाके फिर तो उसे क्या होगा, मोनोटोनस भी नहीं लगा अपने को ये टूर, और अपना टूर भी मस्त होते चला गया। तो चलिए आगे चलते हैं बोंगाईगांव के आगे। बोंगाईगांव के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा और आया है वो है बिजनी, नया रूट है बोंगाईगांव से आपको बिजनी पहुंचना है। बिजनी से जो नेक्स्ट स्टॉप आपका आएगा बड़ा वो है बरपेटा रोड। बिजनी से जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है बरपेटा रोड, तो आगे फिर आपको बरपेटा रोड आना है, फिर बरपेटा से आपको गुवाहाटी एंटर करना है। तो हम सरायघाट ब्रिज होके एंटर करेंगे, अगर आपको इसे याद है तो हम वक्त हमने एक बहुत लॉन्गेस्ट ब्रिज क्रॉस किया था, और इधर से जब हम गुवाहाटी घुसेंगे तो हम सरायघाट ब्रिज क्रॉस करेंगे। कैसा भी हो अगर आपको आना है या निकलना है, आपको तो ब्रह्मपुत्र क्रॉस करना ही है, बस एक ही बार क्रॉस करना होता है। तो पहले हमने जो ब्रिज क्रॉस किया था अब एंटर करने के लिए सरायघाट ब्रिज हो चुका है। दोस्तों ये सरायघाट ब्रिज है विच इज़ द एंट्री पॉइंट फॉर गुवाहाटी, ये लैंडमार्क है। अगर आपने सरायघाट ब्रिज को क्रॉस कर रहे हो मतलब आप गुवाहाटी एंटर कर रहे हो। जैसे बोगीबिल ब्रिज से हमने क्रॉस करके आया है, तो मैं वही बताया कि ब्रह्मपुत्र ब्रिज को आपको क्रॉस करके या तो निकलना पड़ेगा या तो आना पड़ेगा। तो एक तो अगर आपको गुवाहाटी से बाहर निकलना है तो सरायघाट ब्रिज होके निकलना पड़ता है, या फिर आपको बोगीबिल ब्रिज होके जो हमने रास्ता दिखाया था लास्ट टाइम रंगिया होते हुए आप आगे निकल गए बोंगाईगांव के। तो ब्रह्मपुत्र तो आपको क्रॉस करना ही है। तो ये है अपना सरायघाट ब्रिज, इसके नीचे से ट्रेन जाती है, ऊपर से रास्ता है। तो ये हमेशा से हम लोग जब भी आसाम एंटर करते थे हमें बहुत खुशी होती थी कि बच्चा सरायघाट ब्रिज आ गया, गुवाहाटी आ गया।
तो ये बचपन से हम इस सरायघाट ब्रिज से आना जाना हमारा चलता रहता था। तो जो हमने रास्ता आपको बताया बोंगाईगांव से आगे आते हुए आपको ये सब चंपरपेटा रोड वगैरह आते नलबड़ी वगैरह आते हुए आपको गुवाहाटी एंटर करना है, आगे कामाख्या आएगा और फिर गुवाहाटी में इंटर आ जाएंगे। तो ये रहा अब तो गुवाहाटी और कल हम गुवाहाटी से फिर आगे तिनसुकिया के लिए चलेंगे। तो हमारा सफ़र जो तिनसुकिया से शुरू हुआ है पूरा कलकत्ता घूमते हुए वापस तिनसुकिया कल ख़त्म होने वाला है। तो बहुत ही प्यारा जर्नी रहा हम लोग का और यहाँ आके सरायघाट ब्रिज ख़त्म होता है। गुवाहाटी शहर में एंटर करेंगे हम तो आगे का भी बताएंगे। स्लिप कोता है। सो दोस्तों टुडे विल बी द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप। सो ऑन 27th हम लोग स्टार्ट किया था और आज 6th है। एक बहुत ही अच्छा सफर। 400 मीटर्स टर्न लेफ्ट ऑनटू असम ट्रंक रोड महापुरुष श्रीमंत दामोदर देव पाथ। हम लोग ने बहुत अच्छे से हम लोग ने अपना ट्रैवल कवर किया है। अभी हम गुवाहाटी से निकले हैं, ये गुवाहाटी का रोड आपके लिए और यहाँ से हम चलेंगे भाया काजीरंगा तिनसुकिया पहुँचेंगे। मतलब ये रास्ता जो है गुवाहाटी से सीधा निकलेगा, निकल के हम लोग जोरहाट शिवसागर होते हुए तिनसुकिया पहुँचेंगे। इन द मीन टाइम बीच में काजीरंगा आएगा, कोशिश करेंगे अगर कुछ काजीरंगा में हमारे लिए कुछ सुखद अनुभव रहे तो वो भी आपके साथ हम साझा करेंगे। चलिए चलते हैं, गुवाहाटी से हम लोग निकल पड़े हैं। इट्स द ट्रैफिक दैट हैज स्टार्टेड इन द मॉर्निंग। सुबह का ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है। तो गुवाहाटी से निकल के हम नौगांव बाईपास से आगे क्रॉस कर रहे हैं। नौगांव आते ही आपको ध्यान रखना है तिनसुकिया के लिए तीन रास्ते निकलते हैं। मतलब उस पॉइंट से तिनसुकिया जाने के लिए थर्ड एग्जिट आपको लेना पड़ता है जो लिखा रहेगा कि काजीरंगा के लिए आपको निकलना है। तो यही रास्ता जो होता है सीधा आपको तिनसुकिया के लिए निकलेगा काजीरंगा होते हुए। अभी यहाँ से हम निकल गए हैं नौगांव से। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अब आगे हम काजीरंगा रुकेंगे, हम वहाँ पे अपना लंच वगैरह सब काजीरंगा करेंगे। ये जो टूर था ये सिर्फ मैंने पहला एक ऐसा ट्रिप बनाने की कोशिश करा कि ताकि जी सबको रूट के बारे में बताया जा सके कि कैसे क्या रूट से आप कलकत्ता पहुँच सकते हैं, कलकत्ता से वापस रिटर्न आ सकते हैं। तो ये मोरीगांव है, ये रास्ता आप हमारे यहाँ पे भी धीरे धीरे जो है हाईवेज बनते जा रहे हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। तो हम अब निकल चुके हैं, अब हम काजीरंगा ही रुकेंगे। तो ये रास्ता सीधा काजीरंगा जाएगा, काजीरंगा के बाद आपका जोरहाट आएगा, जोरहाट से शिवसागर और शिवसागर से फिर मोरान होते हुए डिब्रूगढ़ होते हुए तिनसुकिया पहुँचेगा। तो स्ट्रेट हाईवे है, स्टेट आपको रहना है, स्टेट हाईवे में आपको निकलते रहना है। तो चलिए चलते रहते हैं। अभी हम काजीरंगा एंटर किया है। काजीरंगा इज फुल ऑफ ग्रीनरी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इंडिया का जो वन हॉर्न राइनो वो सिर्फ असम काजीरंगा में ही पाया जाता है। A beautiful destination, everyone has to come once in lifetime, stay here, enjoy the trip. It's really a wonderful place to stay in. Or this is the ideal time, January to March, because after that again the rainy season will start and then all the inhabitants will go to their own wildlife. So this is the time when all the rhinos and other animals just come out in the corridor and you can enjoy the scenic beauty also. So ye ideal time hai, November se leke ye March tak ka season jo hota hai ideal time rehta hai. You can enjoy it. Bahut hi manmohak drishya hai, zabardast drishya rehta hai. To aap dekh sakte hain ki charo taraf greenery hai. काजीरंगा के अभी मेन पॉइंट पे आए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ डियर्स है, रेन डियर्स
थोड़ा सा मैं जूम करना पड़ेगा मुझे शायद। नेचुरल हैबिटेट सारे हिरन हैं, आप वो दूर तक भी देख सकते हो अगर आपकी नजर जाएगा तो दूर तक देखिए हिरन ही हिरन, और ये एकदम पास से हिरन दिख रहा है मुझे। तो आखिरकार 3,618 किलोमीटर का टोटल राइड हमारा रहा और हम पहुंच गए तिनसुकिया, अपने होम टाउन जहाँ से हमने शुरू किया था। और हम काजीरंगा से जोराट शिवसागर होते हुए, मोरान होते हुए, डिब्रूगढ़ होते हुए तिनसुकिया पहुँचे। तो ये हमारा पूरा ट्रिप रहा और एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिप रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। आके हम बताएंगे आपको कि इस ट्रिप में हमने क्या क्या एंजॉय किया, क्या सीखा, क्या जाना, वो अपने एक्सपीरियंस को आगे और शेयर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।